नमस्कार, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं सिंपल आयरन। दोस्तों, अगर किसी की बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो वो बहुत दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ सकता है। इसका जो डिटेक्शन है या इसको जो डायग्नोस करना है वो बहुत तकलीफ देह होता है, क्योंकि इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल में उसे हो क्या रहा है, क्योंकि उसमें थकान होती है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई और बीमारी है, उसका पेट ठीक से नहीं काम करता है, उसका पाचन पूरा गड़बड़ाया हुआ रहता है। और जो है कि विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो ऐसे में इंसान इतना तकलीफ में आता है कि जो लोग उसको फेस करते हैं वही जानते हैं। किसी किसी को तो ऐसा भी लगता है कि मुझे कहीं हार्ट की बीमारी तो नहीं है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। तो ये सब कुछ बातें होती है जब किसी को विटामिन B12 की जो है डिफिशियंसी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस है और इसके कुछ सिम्टम्स है और ट्रीटमेंट्स है, इसी के बारे में आज की वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करेंगे कि भाई विटामिन B12 जो होता है वो शरीर के लिए या हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक घटक है, जो हर किसी के शरीर में होना बहुत जरूरी है। अगर ये शरीर में नहीं होगा तो बहुत से लोगों को खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इसके रिलेटेड बीमारी है, मानसिक बीमारियां है, और एक बात करेंगे कि किसी किसी को तो डिमेंशिया हो जाता है, या हो सकता है कि किसी को पाचन संबंधी बीमारियां है, थकान बहुत लगती है। ये कुछ इसके जो मतलब अभी कुछ सिम्टम्स मैंने बताए, ये कुछ सिम्टम्स हम डिटेल में भी बात करेंगे नेक्स्ट। लेकिन ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो नजर आते हैं, त्वचा का पीला पड़ना है और जीभ में दाने आने हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो इन सब से आदमी परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई मुझे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ऐसे में वो बहुत गड़बड़ा जाता है। सबसे पहले तो ऐसी स्थिति होती है तो कोई भी बाहरी नुस्खा यूज करने से पहले सबसे अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। वीडियो कुछ भी कहे, कैसा भी हो, ये जरूरी नहीं है, अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करो, क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग अलग होती है। तो शरीर में जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसमें बहुत सारी खतरनाक बीमारियां शामिल हो जाती है। अगर देर सवेर आप इसको नहीं डायग्नोस कर पाते तो बहुत सी तकलीफों का आपको सामना। इसमें क्या होता है, जब विटामिन B12 की कमतरता शरीर में हो जाती है तो सबसे पहले जो है हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। रेड ब्लड टूटना शुरू हो गए तो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो भी डाउन हो जाती है। ऐसे में आपको थोड़ा सा भी काम करते हो तो जल्दी थकान होती है, आपकी सांस फूलने लगती है, दो चार भी सीढ़ियां अगर आपने चढ़ ली तो भी ऐसा लगेगा कि भाई मैंने कितना काम किया है, मुझे बहुत सारे थकान हो रही है। और एक बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी अगर होती है तो बहुत से लोगों को डिमेंशिया, जो कि एक बुढ़ापे की बीमारी है, जैसे जैसे बुढ़ापा होता है वैसे वैसे लोग भूलने लगते हैं कि भाई हमें कुछ याद नहीं आ रहा है या हमने कार कहाँ पार्क की थी, तो ऐसी कुछ चीज़ें वो भूलने लगते हैं। तो ये सब जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण कौन कौन से है, वो लक्षणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लक्षण जो होता है कि भाई अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो सबसे पहले आपके शरीर से रेड ब्लड सेल्स कम होने लगेंगे, जिसके कारण आपके त्वचा का जो रंग है वो पीला पड़ना शुरू होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दाने उभर आते हैं, सफ़ेद दाने होते हैं, या जीभ अगर ज़्यादा तरीके से लाल हो जाती है तो ये भी एक इसका सिम्टम है कि भाई आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। अगर आप डॉक्टर के पास कमजोरी की शिकायत लेकर जाओगे तो डॉक्टर जो है सबसे पहले आपकी जबान ही चेक करेगा कि भाई कहीं इस पर दाने तो नहीं है, कहीं इस पर लाल तो चकते तो नहीं पड़े हैं। अगर B12 डिफिशियंसी है तो आपके मुंह में अल्सर हो सकता है, जिसको हम चकते कहना पड़ना भी कह सकते हैं, या मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो भी एक साइन है कि भाई आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो भाई आंखों की जो रोशनी है, जिसको लो विजन कहते हैं, वो कम होने लगता है। और एक बात करेंगे कि डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक जो थकान होती है वो बहुत होती है, और इंसान जो है वो पूरी तरह से सुस्त हो जाता है। मन में कुछ करने की इच्छा तो होती है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। हमारा जो शरीर है पूरा कोऑर्डिनेट करता है, जैसे मन में कोई इच्छा है और उसके साथ साथ शरीर में भी एनर्जी है तो कोई भी काम आसानी से हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब विटामिन B12 की आपको डिफिशियंसी हो जाती है तब जो है आपको, आपका मन तो कहता है कि भाई काम करना है लेकिन आपका शरीर जो है वो कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो रही है तो आपको जो है सांस फूलने की तकलीफ होगी,
दो चार सीढ़ियां भी अगर आप चढ़ते हो तो आपकी सांस फूलने लगेगी। और एक बात करेंगे कि सिरदर्द होगा या कान में आपके आवाज आना भी शुरू हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से बहुत से लोगों को ये सब सिम्टम्स तो नजर आते हैं, एक सिम्टम्स और भी नजर आता है, वो है कि भूख में कमी आ जाती है। जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी हो जाती है उनकी भूख बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और जो है उनके शरीर में हीमोग्लोबिन जो बनने की प्रोसेस है वो भी बहुत धीमी पड़ जाती है। तो भाई अब ये सब हो गया तो इससे होने वाली जो बीमारियां है विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने पर कौन कौन सी बीमारी होती है, तो जैसे मैंने पहले अभी अभी बताया आपको कि सबसे पहली जो बीमारी होती है वो डिमेंशिया होती है। ये बुढ़ापे की बीमारी है, बहुत से लोग जब बुढ़ापे की ओर बढ़ते ही उनको उम्र बढ़ती है तब वो भूल जाते हैं कि भाई मैंने अपनी कार कहाँ पार्क की थी, या मैंने EMI कब पे किया था, या मेरा मोबाइल नंबर क्या है। ये भूलने की जो आदतें हैं वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि विटामिन B12 अगर शरीर में कमी है तो ऐसे में आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, तो रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो इसका जाहिर सी बात है कि आपको एनीमिया, जैसे कि खून की कमी जिसे कहते हैं, उसको सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एनीमिया अगर शरीर में है तो ये बहुत वर्स हो जाता है, तो ऐसे में जल्दी आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उसे जल्दी डायग्नोस करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे कि विटामिन B12 अगर आपके शरीर में कमी है तो ऐसे में वो इस तरफ भी इशारा करता है कि आपके जो जोड़ होंगे, आपकी जो हड्डियां होंगी, उनमें बहुत देर दर्द होगा। अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है पहले भी हड्डी में लेकिन फिर भी हड्डियां दर्द कर रही है तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि भाई आपके जो शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी के साइन नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विटामिन B12 और हमारा मस्तिष्क जो है इनका बहुत गहरा संबंध है। ऐसे में विटामिन B12 की अगर कमतरता आपके शरीर में हो जाती है तो आपको बहुत से मानसिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में अगर किसी को B12 की कमी हो जाती है तो ऐसे में जो शिशु होता है उसकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। जो भी महिलाएं गर्भवती होती है उनके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा काफी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए जब भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो वो आपको फॉलिक एसिड की और विटामिन B12 की गोली सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी है तो ऐसे में आपको स्किन में रैशेस होना या स्किन में अगर कोई घाव पड़ता है तो वो घाव जल्दी न भरना, ये भी एक इसका साइन है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है। कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो अन्य कारणों में ये आता है कि भाई बहुत ज़्यादा थकान लगना, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होना, थोड़ा सा ये चलते ही सांस फूलना, खाया पिया हुआ डाइजेस्ट न होना। अगर डाइजेस्ट हो भी जाता है तो सबसे पहले दस्त लगते हैं, अगर दस्त नहीं लगते हैं तो कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये कुछ जो सिम्टम्स है ये भी विटामिन B12 डिफिशियंसी की ओर इशारा करते हैं। तो इसके जो सोर्स है वो सोर्स कौन कौन से है, तो इसमें सोर्स अब की बात करें तो सबसे पहले तो जो लोग शाकाहारी है उनको ही विटामिन B12 डिफिशियंसी का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा घटक है जो हमारी जो शाकाहारी सब्जियां होती है उसमें नहीं मिलता, इसके लिए आपको जो है नॉनवेज खाना पड़ सकता है। तो नॉनवेज में क्या क्या, मछली है, मांस है, चिकन है, अंडे है, इन सबसे जो है आपको विटामिन B12 मिल सकता है। लेकिन जो लोग ऐसे ही कोई चीज़ खा नहीं सकते जैसे मांस है, मछली है, वो अगर नहीं खा सकते तो वो अपने डाइट में जो है दही का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अगर ये कुछ ऑप्शन मैंने अभी बताया ये ट्राई नहीं कर सकते तो अपने सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन B12 की जो सप्लीमेंट है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो मुझे कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो की जानकारी अगर आपके दोस्तों में शेयर कर दी तो बहुत अच्छा होगा, उनके लिए भी ये कोई बेनिफिशियल साबित हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।